नमस्कार मित्रों, आज मैं खड़ा हूँ दाऊद में। दोस्तों, ये जो पूरा ग्राउंड देख रहे हैं आप, यहाँ पर आने वाले समय में बनने वाला है इलेक्ट्रिक लोको शेड। यहाँ पर सीमेंस कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाएंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 20,000 करोड़ की लागत से बनने वाला है ये। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड कर दिया है, इसके बाद में बिल्डिंग वगैरह और बाकी चीज़ें शेड वगैरह बनना चालू होंगे। दोस्तों, ये जब प्रधानमंत्री जी यहाँ के गुजरात के सीएम थे, तब से उनके मन में था कि यहाँ पर कुछ बनाया जाएगा इस तरह का प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये पूरे भारत में चौथे नंबर पर बनेगा ये शेड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको बनाए जाएंगे, और गुजरात राज्य का पहला है। इसके साथ ही रतलाम डिवीज़न का भी ये शेड पहला रहेगा, जहाँ इलेक्ट्रिक लोको बनाए जाएंगे। ये सीमेंस कंपनी द्वारा 9,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोको बनाया जाएगा यहाँ पर। साथ ही दोस्तों, ये रतलाम डिवीज़न के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, ये पूरे भारत में चौथा ही शेड होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको बनेंगे। अभी 2 साल में एक जो लोको है इंजन, वो कंपनी बनाकर यहाँ भेजेगी, उसके बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ में यहाँ पर शेड बनेगा, और यहीं पर फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी इंजन की। दोस्तों, ये हमारे रतलाम डिवीज़न के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, साथ ही साथ गुजरात राज्य के लिए। जो दाहोद है वो पूरा ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर ये बनने के बाद में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, कुछ और जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे, धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर पहले से एक पश्चिम रेलवे का रोलिंग स्टॉक कारखाना है, जहाँ पर डिब्बे वगैरह रिपेयर किए जाते हैं, उन्हें डीएसेट मतलब डिसमेंटल किया जाता है, और उनका रखरखाव किया जाता है। और भी बहुत सारे कारखाने हैं यहाँ पर, जैसे कि जो भी स्क्रैप है रेलवे का, जितना भी, वो यहाँ पर भेजा जाता है रेलवे के द्वारा, यहाँ से उनका ऑक्शन किया जाता है, यहीं से उन्हें कंपनियों को बेच दिया जाता है।